गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ दिस इज़ आवर लास्ट क्लास टूडे. दिस इज़ आवर लास्ट क्लास ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर. भाई इससे पहले हम लोगों ने खूब सारी चीज़ें पढ़ ली थी. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ईयर के कौन कौन से डिसफंक्शंस होते हैं. तो चार मेन डिसफंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें पहला था डेफनेस, दूसरा था न्यूरल प्रेबायक्योसिस, तीसरा था वर्टिगो और चौथा था हमारा मिनियारीज सिंड्रोम, जो एक बड़ी बीमारी है. तो ये चार तरह की हमने डिजीज़ पढ़ी थी, जिसमें से कॉमनली हियरिंग लॉस देखने को मिल ही जाता है. जो डेफनेस है वो मिल ही जाती है देखने को हर एक के अंदर, कभी ना कभी उम्र के किसी ना किसी पड़ाव में ये बीमारियां देखने को मिल जाती है. डेफनेस जिसको अपन हियरिंग लॉस भी कहते हैं, तो अगर किसी को हियरिंग लॉस हो गया है तो उसका अपन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. हियरिंग लॉस जिसमें डेफनेस, डेफनेस जो है हमने पढ़ा कि भाई पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, टेम्प्ररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है. अपन ने अपनी ये लास्ट क्लास के अंदर चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था डेफनेस को, तो वहाँ पर मैंने ये आपको क्लासिफिकेशन बताया था. तो अब देखिए हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं. तो ठीक कर सकते हैं, उससे पहले अपन थोड़ा सा ये देखें कि प्रॉब्लम्स आई क्या क्या थी. तो पहली जो मैंने आपको डेफनेस पढ़ाई थी, डेफनेस मैंने आपको बताया था कि दो तरह की डेफनेस होती है, कंडक्टिव डेफनेस और सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, है ना. पहले अपन पढ़ लेना भी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, ताकि आपको याद आ जाए तो फिर ट्रीटमेंट समझ में आए. पहले बीमारी तो ध्यान रहे आपको. तो डेफनेस मैंने आपको सबसे पहली बीमारी बताई थी. डेफनेस का मतलब सुनाई नहीं देना, और ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस भी यही कि भाई अगर सुनाई नहीं दे रहा तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हियरिंग लॉस है जिसको अपन डेफनेस कहते हैं, दो तरह का होता है, कंडक्टिव डेफनेस और सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, दो तरह का होता है. तो अगर ये डेफनेस हुआ है तो इसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, और इनमें से किसको ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, क्या दोनों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल थे, क्या दोनों ठीक हो सकते हैं. तो भाई पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंसोरी न्यूरल था वो ब्रेन से रिलेटेड था, न्यूरॉन से रिलेटेड था, जिसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, मजाक थोड़ी ना है उसको ठीक कर देना. जबकि दूसरा जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि रास्ते में दिक्कत आ रही थी, जो कंडक्टिव था, कंडक्टिव में ब्लॉकेज आया था, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था कि कंडक्टिव डेफनेस में क्या होता है, साउंड वेव जो है प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाती एक्सटर्नल और मिडल पोर्शन के द्वारा, और वो इनर ईयर के अंदर जो फ्लूड होता है उसमें मोशन को सेट नहीं कर पाती है. रास्ते में ब्लॉकेज आया था, तो रास्ते में ब्लॉकेज जो आया था उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. पर जो सेंसोरी न्यूरल था वो तो नर्व सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था जो आवाज़ आ रही थी, और वो अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत आ गई थी. तो नर्व सिग्नल में अगर दिक्कत आ रही है, या फिर हो सकता है ब्रेन में दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करना आसान नहीं है. तो ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस में देखिए सबसे पहला टॉपिक है हियरिंग एड्स, कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो आप जानते हैं कि उसको अपन कान की मशीन दे देते हैं. पर ये जो मशीन है वो केवल रास्ते के लिए यूजफुल होती है, ना कि उसके दिमाग या नर्व के लिए यूजफुल होती है. तो देखिए हियरिंग एड्स जो हैं, यानी वो सामान जो अपन सुनने के लिए काम में ले सकते हैं, वो मशीनें वगैरह सब कुछ, तो हियरिंग एड्स यूज़फुल हो सकते हैं कंडक्टिव डेफनेस को ठीक करने के लिए, पर सेंसोरी न्यूरल डेफनेस के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते. अब इनका काम क्या होता है, एक्चुअली ये जो कान वाली मशीन आती है उसमें ये एयरबॉर्न का जो साउंड है, जो आवाज़ आ रही है वो एयर से आ रही है, उसकी इंटेंसिटी को ये बढ़ा देता है. जितना साउंड सुनाई दे रहा है उसको बढ़ा करके आपके कान तक भिजवाएंगे, तो साउंड स्पेक्ट्रम जो है वो आपका चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग. पेशेंट को जितनी, क्योंकि या तो हमारे को ज़ोर से चिल्ला करके बोलना पड़ेगा ताकि उसको सुनाई दे, क्योंकि सुनाई कैसे दे रहा है भाई, एक्सटर्नल मिडल ईयर से होता है, वो आपके इनर ईयर में जा करके वो जो फ्लूड है उसका मूवमेंट करवाएगा, और मूवमेंट तब होता है जब एक पर्टिकुलर रेंज का साउंड वहाँ तक पहुँचता है. ये मैंने आपको मैकेनिज्म में भी चीज़ समझाई थी जब मैंने आपको इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, कि वो साउंड इतना एम्पलीफाइड होना चाहिए कि वो इनर ईयर के फ्लूड को मोशन में ला सके. तो इनर ईयर का फ्लूड जब मोशन में आ रहा होता है तब ही आपको सुनाई देता है, नहीं तो नहीं. और बुढ़ापे के अंदर तो ये मोशन में आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों, सभी में नहीं, पर कुछ लोगों को ईयर मशीन का यूज़ करना पड़ता है. और ईयर मशीन जो होती है वो आपके साउंड के स्पेक्ट्रम को मॉडिफाई कर देती है पर्टिकुलर पेशेंट
जो है उसके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कौन सा पेशेंट जिसको हियरिंग लॉस हुआ है तो वो हायर या लोअर फ्रिक्वेंसी तक उसके कान तक वो आवाज़ को पहुंचा देता है जो भी उसके लिए सूटेबल होती है। जबकि जो रिसेप्टर सेल है न्यूरल पाथवे सिस्टम का, वो मस्ट स्टिल बी इंटैक्ट एंड फंक्शनिंग फॉर द साउंड टू बी परसीव्ड। सो हियरिंग एड्स आर यूजलेस इन सेंसोरी न्यूरल डेफनेस। भाई जो सेल न्यूरल पाथवे के जो रिसेप्टर्स थे इस पाथवे सिस्टम के, सेल न्यूरल पाथवे सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट ही रहते हैं, उनकी फंक्शनिंग जो साउंड की है वो परसीव्ड की जा सकती है, या तो वो खुद ब खुद होगी नहीं तो किसी दूसरे से हो नहीं पाएगी वो। तो इसलिए हियरिंग एड जो है उस सेल न्यूरॉल में रोल नहीं प्ले कर रहे, वो तो उस रास्ते में और साउंड को सिर्फ बढ़ा रहे हैं और सेल न्यूरॉल पे उसका कोई असर नहीं है। इसलिए हियरिंग एड जो है वो सेंसोरी न्यूरल डेफनेस के कोई खास काम में नहीं आ रहे होते हैं, ये केवल काम में आ रहे होते हैं कंडक्टिव डेफनेस के। तो एक तो ये तरीका है कि अपन किसी हियरिंग एड को काम में ले, हियरिंग एड के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो, किसको, बहरेपन को ठीक कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ हमने और क्या पढ़ी थी बीमारी के अंदर कि क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो दूसरी बीमारी तो भाई वर्टिगो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि वो तो वायरल इन्फेक्शन या ड्रग की वजह से हो रही है या डिजीज़ जैसे ट्यूमर की वजह से हो रही थी। तो वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आप उस इन्फेक्शन की दवाई खा लीजिए, कोई ड्रग की वजह से हो रहा है ड्रग को रोक दीजिए, ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो या तो उस ट्यूमर का कोई ट्रीटमेंट लीजिए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपकी पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई थी। न्यूरल प्रीबायोटिक्स में मैंने आपको बताया था भाई हेयर सेल का डैमेज हो गया था बुढ़ापे के साथ में या लाउड साउंड के साथ में, तो लाउड साउंड और न्यूरल प्रीबायोटिक्स के अंदर तो आप यही हियरिंग एड्स दे सकते हो जो आपने डेफनेस में दी थी। वर्टिगो तो दवाई वगैरह से ही ठीक हो जाता है, अगर मोशन सिकनेस हुआ है तो उसके अंदर आपको उस जगह पे से दूर ही रहना चाहिए, कार में जाने से प्रॉब्लम है, बस में जाने से प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों से आप दूर रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। पर जो चौथी डिसीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी दैट इज़ मिनियरीज सिंड्रोम, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था डिजीनेस और टिनाइटस लोगों में देखा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो कोकलिया में डक्ट थी वो ब्लॉकेज हो गई थी, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। कोकलिया की प्रॉब्लम, मिनियरीज डिजीज़ में कोकलिया की प्रॉब्लम आती है। तो बाकी जो चार डिजीज़ पड़ी थी उसमें से पहली दो डिजीज़ डेफनेस और न्यूरल प्रीबायोटिक्स में तो हियरिंग एड्स यूज़फुल है, वर्टिगो दवाई वगैरह से भी ठीक हो जाता है, पर तीसरा जो कोकलिया में प्रॉब्लम आ रही थी उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसको ठीक करने का तरीका है कोकलियर इम्प्लांट, कोकलियर इम्प्लांटेशन के थ्रू अपन ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट है कोकलियर इम्प्लांट्स। तो रिसेंटली जो ये कोकलियर इम्प्लांट्स है वो आजकल अवेलेबल हो चुका है ये मेथड। इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इम्प्लांट कर देते हैं सर्जिकली, कान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्जिकली आप लगा देते हैं। ये डिवाइस क्या करता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो कि डायरेक्टली आपकी ऑडिटरी नर्व को स्टिम्युलेट करेगा और डिफेक्टिव कोक्लिया सिस्टम का ये एक तरह से बाईपास बन जाता है। क्योंकि कोक्लिया सिस्टम आपका डिफेक्टिव हो गया तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि एक कोक्लियर इम्प्लांटेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है इम्प्लांट कर देंगे उस जगह पर, ताकि वो कोक्लिया से ना होते हुए सीधा ऑडिटरी नर्व को खुद ही साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दे देगा। कोक्लियर इम्प्लांट जो है नॉर्मल हियरिंग के अंदर, नॉर्मल हियरिंग को तो रिस्टोर नहीं कर सकता है, पर हाँ वो साउंड रिसिपिएंट्स को ये हेल्प कर देता है कि वो साउंड को पहचान सकता है। भाई ऑब्वियसली नॉर्मल हियरिंग जैसा तो कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल पर्सन जो सुन पा रहा है वैसे वैसा काम कोई मशीन तो करेगी नहीं, पर हाँ पूरी तरह से आप बहरे हो गए हो उससे बेटर है कि हाँ थोड़ा बहुत आपको सुनाई देने लग जाएगा, साउंड को आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, जो रिसिपिएंट्स है वो साउंड को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे अगर इस तरह से वो कोक्लियर इम्प्लांट का सहारा लेते हैं। तो इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड कर रही होती है कि भाई एबिलिटी क्या है, फ्रॉम एन एबिलिटी टू हियर अ फोन रिंगिंग टू बीइंग एबल टू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन ओवर द टेलीफोन। जैसे फ़ोन रिंग कर रहा है वहाँ उसको सुनने से लेकर के टेलीफोन पर जो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो वो भी आराम से आप कर सकते हो, ये इसकी सक्सेस रेंज है।
तो ये भी एक अच्छा मेथड है आज के टाइम पर हियरिंग एड्स में जो है वो हियरिंग लॉस को ट्रीट करने का, कि कोक्लियर इम्प्लांट जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्जिकली आपके कान के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है जो आपके साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपके ऑडिटरी नर्व को स्टिम्युलेट करते हैं। ये कोक्लियर सिस्टम का एक बाईपास मेथड है, हालांकि नॉर्मल हियरिंग के जैसा ये नहीं है, पर फिर भी रिसिपिएंट जो है वो साउंड को रिकग्नाइज कर सकता है। इवन आप फोन की रिंग को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हो, उस फोन के ऊपर भी बात कर सकते हो। ऑब्वियसली जब फोन की चीज़ें आपको सुनाई दे तो डायरेक्ट तो सुनाई देगी, क्योंकि डायरेक्ट चीज़ें आपको ज़्यादा साफ सुनाई दे रही होती है इन कंपैरिजन टू फोन, है ना। तो जब आप फ़ोन भी सुन सकते हो तो ऑब्वियस है कि फ़ोन पर आप बात कर सकते हो, मतलब ये एक अच्छा मेथड है हियरिंग को ठीक करने के लिए। तो आज की क्लास यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ना है क्योंकि हो गया आपका ईयर का टॉपिक कंप्लीट। मेरे ख्याल से लगभग सारे पार्ट्स अपन ने जो हैं वो कवर इसके अंदर कर लिए हैं। जैसे अपन ने बहुत डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ ली, एक्सटर्नल ईयर की, मिडल ईयर की, इनर ईयर की एनाटॉमी हमने पढ़ ली, फिर फिजियोलॉजी पढ़ ली, तीनों पार्ट्स ही एक साथ भी पढ़ ली थी, एक्सटर्नल, मिडल और ईयर की, और हमने अलग अलग भी इनकी मैकेनिज्म पढ़ी थी, कैसे आप सुनाई देते हो, कैसे साउंड आता है, कैसे साउंड को रिकग्नाइज करते हो। फिर हमने इक्विलिब्रियम हमारा कान कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि कान का मेन काम इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, तो इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन करेगा। फिर हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी बीमारियां होती है कान की, तो हमने जो सबसे कॉमन चार तरह के कानों के प्रॉब्लम्स है, डिसफंक्शन जो है, एक्चुअली बीमारी नहीं पढ़ा था हमने, क्योंकि बीमारी एक अलग चीज़ है जो हम दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कान की जो कॉमनली डिसफंक्शंस हैं, जब आपका कान सही से काम नहीं कर रहा होता, बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, लॉट ऑफ डिजीज देर आर, तो वो नहीं हमने डिस्कस करी है। जो कान के डिसफंक्शंस थे चार तरह के, वो कॉमनली हमने पढ़ लिए थे। और उसके बाद हमने आज वाली क्लास के अंदर ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया कि जो कान की प्रॉब्लम्स थी जो हमने पढ़ी थी उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें अपने हियरिंग एड्स भी पढ़े थे और कोक्लियर इम्प्लांट भी पढ़ा था। तो कान के इन्फेक्शन को ठीक करने वाली चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, कान की बीमारियां मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, बीमारियां वर्ड हम ना बोलें तो ज़्यादा बेटर, डिसफंक्शन वर्ड हम बोलें, तो मैंने आपको ईयर के डिसफंक्शंस पढ़ा दिए थे और मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट भी आज की क्लास के अंदर पढ़ा दिया है। और ये आज की लास्ट क्लास थी आपके ईयर की, मैंने बोला तो हालांकि इससे पहले वाली क्लास को लास्ट था, पर नहीं, वो सेकंड लास्ट थी, ये लास्ट क्लास है। आप इसे बैठ करके पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने अपनी लास्ट दो क्लासेस में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं बताया जो आपको नोट करना है, जो नोट करना है वो सब आपके सामने लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे को मेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पहुंचाने हैं तो प्लीज़ इस लास्ट क्लास के बाद आप पहुंचा दें, क्योंकि इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। उससे पहले मैं चाहती हूं आपके ईयर के जो टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको उसके आंसर दे दूँ, आपकी क्वेरीज़ को, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। और आप अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या किसी के आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप अपने सीआर तक अपना मैसेज पहुंचा दीजिए, मेरे पास पहुंच जाएगा वो आपका मैसेज। तो कोई भी डाउट हो बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन के थ्रू भी या मेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपन आज की क्लास को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, कुछ डाउट है तो आप बात करिए, अदरवाइज़ अपना ये ईयर का टॉपिक कम्प्लीट। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।